दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स मिनरल्स बहुत ज़रूरी है, और हम जानते हैं कि विटामिन्स अगर हम ना लें तो हमको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक्चुअली विटामिन होता क्या है, उनका फंक्शन क्या है, हमें ये नहीं पता। हमने सुना है कि बायोटिन बहुत ज़रूरी है हमारे हेयर के लिए, अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन किस तरह का विटामिन है, क्या हम उसको एक मंथ दो मंथ तक ले सकते हैं या हमको उसे हमेशा लेना पड़ेगा। उसी तरह बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके क्या फंक्शन है और किस किस डिजीज़ में काम आते हैं, डिफिशियंसी में भी काम आते हैं, तो किस किस डिफिशियंसी में आते हैं, तो ओवरऑल मैं इस वीडियो में बताऊँगा। एक्चुअली ये विटामिन सीरीज लेके आया हूँ मैं विटामिन्स मिनरल्स की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टोटल कितने विटामिन्स होते हैं, उसमें से कौन से विटामिन की कितनी ज़रूरत रहती है और किस तरह के विटामिन्स होते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जिनको हमें डेली लेने की ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो हमें डेली लेने की ज़रूरत ना है, तो उसकी पर्टिकुलर एक विटामिन्स की मैं हर एक विटामिन्स की एक वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। दिस इज़ अभिषेक चौहान एंड वेलकम टू केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस। तो टोटल 13 तरह के विटामिन्स होते हैं, मैं पहले बता दूँ उसका फंक्शन बताऊँगा एक्चुअली है क्या। टोटल 13 तरह के होते हैं, जिसमें से 9 तरीके के होते हैं वाटर सॉल्युबल और 4 तरीके के होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वो होते हैं जो कि आपकी टिश्यू कैरीड करते हैं और साथ में हमें ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। कहने का मतलब है जो कि विटामिन्स, जो ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, मतलब हमें उन विटामिन को डेली लेने की ज़रूरत है, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। आपने लिया, उसने उसका काम करा, एक्सीड हुआ, निकल गया, और अगर ज़रूरत है या ना है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। दूसरा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि 4 तरीके के होते हैं। इन ये क्या करते हैं, एक्चुअली ये डिसॉल्व हो जाते हैं फैट में और आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, पूरी बॉडी में फैट के अंदर, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो 9 तरीके होते हैं, वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, मतलब सारे बी, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 जिसको बायोटिन कहते हैं, B9 जिसको फॉलेट कहते हैं, B12 और विटामिन सी। और जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं विटामिन A, D, E, K। कहने का मतलब ये है कि जितने भी विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, बायोटिन, फॉलेट, B12, BC हमें डेली लेने की ज़रूरत है, मतलब हमें एक दिन भी ऐसा नहीं है हम जिसे हम इसको छोड़ सकते हैं, हमको डेली चाहिए ये। और जो विटामिन फैट सॉल्युबल है ये A, D, E, K ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, तो इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें लेना ज़रूरी है इनकी डेली रिकमेंडेड के अकॉर्डिंग। और देखिए ये स्टोर्ड होते तो ऐसा नहीं कि स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड होते हैं मतलब स्टोर्ड फंक्शन किया, स्टोर्ड हो गए, ठीक है, और ज़रूरत हो तो फैट से निकल गए। लेकिन अगर विटामिन बी और सी की ज़रूरत होगी तो वो तो है ही नहीं आपकी बॉडी में, वो यूरिन के थ्रू पास हो गए, तो वो कहाँ से आएंगे। तो वो सारे विटामिन होते हैं। अब इनके बेसिक फंक्शन सब विटामिन के इंडिविजुअल है। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन, एक मकान बनाना पड़ता है, हमें घर बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, बिल्डिंग मटेरियल की और उसके साथ साथ बनाने वाले लोगों की, ठीक है। उसी तरह हमारी जो बॉडी एक तरह का बिल्डिंग है, बन रही है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी मटेरियल की और उसके बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स की और उसके साथ साथ कुछ विटामिन्स मिनरल्स की, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर जो मैक्रोज है वो है विटामिन, सॉरी जो मैक्रोज है वो है हमारी बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन, फैट और लिपिड, जो कि कहते हैं प्रोटीन, कार्ब्स और लिपिड जिसको कहते हैं फैट, ठीक है, जो कि दिखता है, जैसे कि फैट प्रोटीन मसल्स बनाती है, कार्ब जो कि आपको एनर्जी देती है और स्टोर्ड होती है एज अ फॉर्म ऑफ फैट, लिपिड जिसको कहता है फैट जो कि गुड फैट होता है, ओवरऑल इसके बहुत सारे फंक्शन रहते हैं, जैसे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना और उसके बाद हेल्थ को, ओवरऑल जो बॉडी का ऑर्गन है उसको हेल्दी रखना, प्रोटेक्ट करना, एनर्जी लेवल स्टोर करना, एनर्जी लेवल बढ़ाना जो कि कार्ब्स रहते हैं, और भी बहुत सारे। खैर मैं बात कर रहा हूँ मिनरल्स के, विटामिन्स की। तो विटामिन्स यहाँ होते हैं जिनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट कर रेड ब्लड सेल है उनको बनाती है, साथ में सिंथेसाइज करती है बोन टिश्यू को। नॉर्मल विजन जब आप देखते हैं, नॉर्मल अब नॉर्मल है, अगर आपके विजन में कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए कुछ विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ आपके ओवरऑल नर्व सिस्टम है, नर्व फंक्शन है, नर्व सिस्टम है, ब्रेन से लेके टॉय तक जितने भी नर्व जा गई है उनको हेल्दी करती है अलग अलग विटामिन्स के, और उसके साथ साथ आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये स्ट्रांग करती है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं।
आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं हर एक विटामिन का कि विटामिन B1, B2, B6, B7, फॉलेट, विटामिन C, A, D, K, C, ABCD, FG, अच्छा खैर इतने तो नहीं होती, 13 तरह के होते हैं। ये सारे ही मैं हर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो जल्दी आने वाली है विटामिन B6 के ऊपर, क्योंकि वो एक विटामिन है और उसके कई सारे सप्लीमेंट भी मिलते हैं। लोगों ने मुझसे पूछा था विटामिन B6 किस काम के लिए आता है, सप्लीमेंट हम ले आने वाले, वो सप्लीमेंट लेना ही ज़रूरी है क्या? तो वो सारी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। इंस्टाग्राम पे मुझे @live.abhishek पे फॉलो ज़रूर करें, वहाँ अपडेट देता रहता हूँ मैं। और उसके साथ साथ बहुत धन्यवाद आपका कि हमारी फैमिली अब 400,000 की हो चुकी है, मतलब हमारी केयर फॉर हेल्थ एंड फिटनेस की जो परिवार है वो 400,000 लोगों का हो गया, तो इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्स हेल्दी वेल्डी में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।